सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। जो सपने देख नहीं सकता उसके सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। जब हम हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में किसी को बताते हैं कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, ऐसा सुना है ना आपने, 99.99% लोगों का जवाब क्या आता है मालूम है? एक चाय वाला बन गया इसका मतलब ऐसा थोड़ा ये हर चाय वाला ही प्रधानमंत्री बन सकता है। बोलिए सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? फिर हम एक और मोटिवेट करते हैं लोगों को कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बनने वाला एक इंसान आज धीरूभाई अंबानी बन गया, हिंदुस्तान का सबसे अमीर साम्राज्य खड़ा करके चला गया। 99.99% लोग ऑन द स्पॉट एक ही बात बोलते हैं, हर आदमी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला धीरूभाई अंबानी। मेरी बात से सहमत है? मेन सम बोलते हैं लोग, हर आदमी कामयाब क्यों नहीं होता, हर आदमी क्यों नहीं आगे बढ़ता? इसलिए नहीं बढ़ता कि 99.99% लोग पहले दिन ही यह सोच चुके कि हर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन बनने वाला भी वैसा ही था जैसे हम दिखते हैं। 99.99% लोग पहले दिन ही यह स्वीकार कर चुके कि हर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला लड़का धीरूभाई अंबानी नहीं बन सकता, लेकिन बनने वाला भी आप और मेरे जैसा ही था। सिर्फ जो 0.01% लोग बड़े बनते हैं, बड़े मतलब बहुत बड़े, वो सारी बंदिशों को सारी सीमाओं को तोड़ के और एक चीज सोचते हैं कि जब इस देश में इस दुनिया में अगर कोई एक आदमी बन सकता है तो अगला नंबर मेरा भी होगा। और 99% लोग ये सोचते हैं एक बन गया इसका मतलब उसका तुक्का लगा होगा, एक बन गया इसका मतलब क्या गारंटी है कि मैं भी बन जाऊंगा। मैं आज आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, आप सबसे पहले सपने पूरे होंगे लेकिन क्या सपने देखने की हिम्मत कर सकते हो? सफलता का रहस्य बता रहा हूं। इन्होंने सोचा कि जब एसएलबीएस वेलनेस में कोई एक आदमी अगर डायमंड बना है तो मैं भी डायमंड बनने के लिए ही पैदा हुआ हूं, ये इन्होंने सोचा। आप जिस दिन ये सोच लोगे कि कोई एक आदमी अगर कामयाब हो सकता है तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है, क्या ये विश्वास करने के लिए तैयार हैं? तो आज के बाद हम लोग थोड़ा सा अलग काम करते हैं दोस्त, आप ये समझिए हम लोग क्या काम करते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझाता हूं। ये काम लोगों को मुश्किल लगता है, ये काम इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ये काम बच्चों का खेल नहीं है कि चलते फिरते कोई भी आदमी कामयाब हो गया। हिंदुस्तान में दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक लोग हैं जिनको बाई ऑर्डर डंडा देके डांट के फटका कुछ भी करवा लो वो 24 घंटे काम कर लेंगे, ओवर टाइम कर लेंगे, बॉस की गाली खा लेंगे, उनको इतना भी फील नहीं होगा, हट नहीं होगा। बहुत कम लोग हैं जो अपनी मर्जी से काम करते हैं। हमारे इस बिजनेस का प्लस पॉइंट ये है कि यहां पे आपका कोई बॉस नहीं है, आपको कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है, आपको कोई बताने वाला नहीं है कि तुझे ये करना पड़ेगा। और हमारे इस बिजनेस का माइनस पॉइंट भी ये है कि यहां पे आपका कोई बॉस नहीं है, यहां पे आपके ऊपर कोई ऑर्डर चलाने वाला नहीं है, यहां पे आपको डांटने फटकारने वाला नहीं है। अब फिर यहां पे कौन सक्सेस होता है? जिस इंसान की मेंटेलिटी नौकर मेंटेलिटी है वो हमेशा किसी दूसरे के आदेश का इंतजार करता है। जब तक उसको आदेश नहीं मिलता तब तक वो कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करता। आदेश देके डांट के फटकार के उसको 12 घंटे की जगह 18 घंटे काम करा लो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर कोई मर्जी से करने के लिए बोले तो वो 1 घंटे काम नहीं कर सकता। मालिक मेंटेलिटी का आदमी ये होता है कि वो किसी के आदेश का इंतजार नहीं करता, वो अपना काम अपनी मर्जी से करता है, वो उस काम को अपनी मर्जी से करता है और उस काम को अपना काम समझता है। आप यहां पे सफल होते हो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको अपने मस्तिष्क में मालिक मेंटेलिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि मैं इस दुनिया में नौकर बनने के लिए नहीं आया, मैं इस दुनिया में मालिक बनने के लिए आया हूं। क्या अपने आप को मालिक समझ सकते हैं? और मेरे दोस्त हमारी गलती नहीं है,
हमारे सॉफ्टवेयर में ही नौकर है, हमारे सॉफ्टवेयर में ही बाई ऑर्डर है। जब आप 10वीं क्लास में पढ़े थे, मम्मी पापा ने एक चीज बोली थी, बेटा अच्छा नंबर लेना, अच्छी नौकरी लग जाएगी। जैसे ही 12वीं क्लास में आए, अच्छे नंबर लाना, अच्छी नौकरी लगेगी। उससे ऊपर गए, अच्छे नंबर लेना, अच्छी नौकरी लगेगी। अब बचपन से हम ये सुन रहे हैं कि अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी लगेगी, तो भाई साहब मालिक वाली बात हमारे दिमाग में कैसे घुसेगी? आपको अपने मस्तिष्क और अपने दिमाग में विरोध करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और आपको उसको सिग्नल देना पड़ेगा कि बन लिया अब तक नौकर, अब असली पे स्मेलनेस मिल गई है, अब मैं मालिक बन के दिखाऊंगा। ये मस्तिष्क में आपके आज विचार जाना चाहिए। क्या ये विचार आप अपने मस्तिष्क में भेज सकते हैं? ये कमांड दे सकते हैं?